नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फैक्टर चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ लेंस का उसे पढ़ेंगे। और इसमें देखिए, आपका जो अगला पॉइंट आता है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, अपनी खुद की राइटिंग से लिखे हुए थे वो। और इसमें देखिए, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाना, तो ये सेम टू सेम इसी तरह होता है जिस तरह आप अवतल दर्पण में 5 से 6 स्थितियां होती हैं और आपके प्रतिबिंब बनता है, तो वही कुछ इस उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में होने वाला है जब वस्तु अनंतता पर रखी हो। बिल्कुल ध्यान से समझना है, किताब से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना लिखने के लिए टाइम नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को खत्म करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया नंबर लेके आए। तो देखिए, एक वस्तु रखिए ए बी और यहाँ पे आपको प्रथम फोकस से जो फोकस से किरण जाती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये आपके कुछ इस तरह से हल्की सी टेढ़ी हो रही है, लेकिन ये लगभग टेढ़ी नहीं है। देखिए, जो भी प्रकाशिक केंद्र होता है सी, इससे जो भी किरण जाती है वो इससे बिल्कुल सीधी निकल जाती है और ये दोनों जहां किरण मिल जाएंगी वहां आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसमें देखिए आपको क्या क्या याद रखना है कि वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो और उल्टा बनना है। और इसमें देखिए आपका जो प्रतिबिंब है बिल्कुल वास्तविक बनना है, तो ये 2-3 कंडीशन आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा व उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा था और उल्टा था, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे, जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको मैं स्किप इसलिए कर रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सजा सजा के ये लिखना पड़ता है कि वस्तु हमने यहाँ रखी, फिर यहाँ से एक किरण गई, तो इसलिए मेरे को ये स्किप करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब वस्तु अनंतता पर M2F के बीच में हो। ठीक है, अनंतता और 2F के बीच में, जैसे कि वहां पे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती थी वस्तु, ऐसे ही यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में वस्तु रखी है। ठीक है, एक तो किरण हमने भेजी है मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से निकलेगी, द्वितीय फोकस F2 से। ठीक है, और एक प्रकाशित केंद्र से जा रही है किरण जो सीधी चली जाएगी। और यहां देखिए, प्रतिबिंब उल्टा बनना है, वस्तु से छोटा है, बिल्कुल कोई शक होना नहीं चाहिए। सेम वही अनंतता एवं 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 दूरी के बीच वास्तविक वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है, बिल्कुल छोटा बन रहा है और उल्टा। ठीक है, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है क्या होती है, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो यहाँ देखिए बराबर का प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, और वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि आपने अवतल दर्पण में भी पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी रहती है तो उसी के नीचे ही प्रतिबिंब बनता है। यदि आप दर्पण देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साइंस की वीडियो में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ पर। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो तब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये F2 और 2F2 के बाद बन रहा है। ठीक है, तो वही नियम है, एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है और एक प्रकाशित केंद्र से निकालती हुई। ठीक है, इसके बाद पांचवी जो कंडीशन है वो क्या है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, प्रथम फोकस F1 पर स्थित है तो आपकी ये कुछ अनंत पर जाके बनेगी, जहां पे दिखाई नहीं दे रहा है उल्टा, तथा वास्तविक अनंत दूरी पर वास्तविक वस्तु से अधिक बड़ा तथा उल्टा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं और ये पेपर में आने पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे यदि आप इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ नंबर, इसमें पढ़ते हैं इसको। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में हो अथवा वस्तु प्रकाशित केंद्र व फोकस दूरी के बीच हो। देखिए, वस्तु प्रकाशित केंद्र ये है सी और फोकस ये है, इसके बीच में वस्तु रखी है, एक समांतर रेखा भेजेंगे बिल्कुल सही, जो कि F2 जो हमारा द्वितीय फोकस है उससे निकल जाएगी किरण, और एक हमने प्रकाशित केंद्र से किरण भेजी जो कि हमें
इस तरह जाती हुई प्रतीत होगी कि वह द्वितीय फोकस से आ रही है और ये प्रकाशिक केंद्र से, तो ये पीछे जाके कुछ बड़ी बनेगी और इस तरह हमारा प्रतिबिंब सीधा सीधा प्रतिबिंब है, वस्तु के जैसा ही है और वस्तु से बड़ा है, सॉरी। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। और अवतल दर्पण की एक कंडीशन बनती है सिर्फ, जब वस्तु कहीं भी रख लीजिए, इसमें हमेशा जो बनता है फोकस, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में बनता है, प्रकाशित बिंदु के बीच में बनता है। ये आपकी स्थिति थी। अब मैं इनके कुछ और फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो कि क्या है। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, एफ बराबर 1/v - 1/u। यहाँ पे सेम टू सेम एफ वही है जो आपने याद की थी, फोकस दूरी, वी है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी और यू है वस्तु की दूरी। इसको आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और देखिए, आपको और बताता हूं मैं कुछ और खास बातें इसमें जानने लायक क्या क्या है। एक आपको लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन याद करना है। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। और इसको लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बटे लेंस से वस्तु की दूरी u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको तो 100% आप याद करेंगे क्योंकि ये आपका आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। सॉरी, अब लेंस की क्षमता के बारे में बात करते हैं, जो कि फोकस दूरी का उल्टा होता है कुछ इस तरह से। किसी लेंस की क्षमता p, ठीक है, उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। तो ये दो तीन फॉर्मूले आपके मैंने यहाँ पे बताए हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं। मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल इसमें बता सकता था लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को